नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गैजेट वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। हर दिन की तरह मैं आज भी लेके आया हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो चलिए शुरू किया जाए आज का वीडियो। हम जब DSLR या फिर कोई भी कैमरा या फिर मोबाइल कैमरा से कोई पिक्चर खींचते हैं तो इस पिक्चर बनता है तीन चीज़ों से, एपर्चर, शटर स्पीड और ISO लेवल। तो आज हम एपर्चर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि एपर्चर आखिर क्या है और आसान शब्दों में इसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। एपर्चर मतलब आपके जो कैमरा के लेंस है उसमें जो लाइट बाहर से पड़ती है वो कितना पड़ेगा, तो इसे ही हम एपर्चर कहेंगे। मतलब हम एक चीज़ को कैसे देख पाते, एक लाइट सोर्स से जब लाइट आती है तो एक चीज़ पर टकरा के हमारे आँख या फिर लेंस पे आता है। जिस चीज़ से टकरा के हमारे आँख पे आता है तो हम उसी चीज़ को देख पाते। तो अब जिस चीज़ से लाइट आ रहा है उस चीज़ को हम कितना देखेंगे, मतलब बस उस चीज़ को देखेंगे या फिर उसके अलावा भी उसके आसपास की चीज़ों को देखेंगे, यही चीज़ें एपर्चर के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, एपर्चर को हम एप स्टॉप की मदद से समझ सकते हैं। एप के बाद ये जो नंबर है ये जितना कम होगा इसका मतलब कैमरा के लेंस के जो ओपनिंग वो उतना बड़ा होगा, मतलब उसमें उतनी ज़्यादा लाइट अंदर आएगा। ये एप स्टॉप नंबर जितना बड़ा होगा तो कैमरा के ओपनिंग उतनी ही छोटा होगा, तो उसमें लाइट और भी कम आएगा। तो ऐसे ही हम समझ सकेंगे। सोचिए कि आपके सामने कोई चीज़ है, अगर हम एक कैमरा से बस उस चीज़ को फोकस करना चाहते हैं और पीछे के सारे चीज़ को हम ब्लर करना चाहते हैं तो हमें वो एप स्टॉप नंबर को बहुत ही ज़्यादा कम करना होगा। जितना कम करेंगे हमें बस उस चीज़ पर ही फोकस रहेगा और दूसरे सारे चीज़ें ब्लर हो जाएगा। लेकिन अगर हम उस चीज़ को प्लस आसपास के सारे चीज़ों को अपने कैमरा के अंदर कैप्चर करना चाहेंगे तो वो ओपनिंग जो है जिसमें से लाइट आ रहा है उस ओपनिंग को और भी बड़ा करना होगा। तो हम उस ओपनिंग को जितना बड़ा करेंगे बाहर से लाइट उतना ज्यादा आएगा, उतने ही ज्यादा डिटेल्स हमारे कैमरे के लेंस में आएगा। ये तो हो गया कैमरे की भाषा में एपर्चर। अब मैं आपको एक नेचुरल एग्जांपल देता हूँ। आपके जो आंख है वो बिल्कुल कैमरे के लेंस की तरह काम करता है। अगर आप एक पास की चीजें देखिए, आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपके आंख के सामने आपके हाथ को लाइए और देखिए जो हाथ के जो स्किन है वो आप एकदम साफ साफ दिख पा रहे हैं, मतलब आपके जो आंख वो आपके हाथ पे फोकस कर रहा है। लेकिन थोड़ा अगर नोटिस करेंगे तो देखिए उस लोकेशन के अलावा जो आसपास के लोकेशन वो पूरा ब्लर हो चुका है, मतलब बिल्कुल कैमरा टेक्नोलॉजी है। मतलब आपके आंख के जो रेटिना है होल ओपनिंग है वो अभी बहुत बड़ा है क्योंकि उसे ज्यादा लाइट की जरूरत है और वो पास की चीजें देखना चाहता है, कोई दूर की चीजें की देखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप दूर की चीजें को देखने की कोशिश करेंगे, जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम के जो दूर की चीजें की देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए कि आप देख पाएंगे, मतलब आपके जो आंख के लेंस है उसके जो ओपनिंग है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, मतलब जो एप स्टॉप नंबर आंखों के वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप घर में बैठ के इसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकेंगे। अगर आप बागीचे में जाए या फिर छत पे जाए, ऐसा कोशिश कीजिए कि दूर के कोई बिल्डिंग के कुछ चीज़ देखना चाहते जो आप नॉर्मल से देख नहीं पाएंगे, तो नेचुरली आप अपने जो आँख है वो थोड़ा छोटा करेंगे। छोटा किस लिए करेंगे, क्योंकि दूर से जो लाइट आ रहा है हमें बस उसी लाइट को ही कैप्चर करना है, दूसरे कोई भी लाइट को कैप्चर नहीं करना है, मतलब हमारे कॉन्सेंट्रेशन वही पर देना है, बस वही लाइट ही हमें कैप्चर करना है। इसीलिए आपके जो रेटिना के ओपनिंग से उन्हें छोटा करना होता है तो नेचुरली आपके आँख भी छोटा होता है। एकदम सेम टेक्नोलॉजी कैमरा में भी इस्तेमाल होता है। जब आप पास के चीज़ों को देखना चाहते या पीछे के चीज़ों को नहीं देखना चाहते, मतलब ब्लर करना चाहते, तो लेंस के जो ओपनिंग है वो बड़ा रहेगा, मतलब अगर कैमरे की लैंग्वेज में कहे तो वो जो एप स्टॉप नंबर है वो छोटा रहेगा, मतलब कैमरा के जो होल ओपनिंग है वो बड़ा रहेगा। अगर आप दूर की चीज़ों को देखना चाहते या फिर पूरे इलाके की चीज़ों को देखना चाहते वो जो एप स्टॉप नंबर है वो बड़ा रहेगा, मतलब कैमरा के लेंस के जो ओपनिंग है वो छोटा रहेगा। मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल से कुछ सीखना मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और आपके जो कमेंट्स है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।